सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान विषय में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो अध्याय चल रहा था। इस अध्याय के भाग दो, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण। प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण देखिए, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक होता है, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का अर्थ क्या है। जैसे यहां पर एक शब्द आया है प्राकृतिक संपदा, तो प्राकृतिक संपदा हम कहते किसे, ये प्रश्न यहां पर दिमाग में आता है। संरक्षण तो भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो ये समझना आवश्यक है जिसे कि जो प्राकृतिक संपदा है, यह प्राकृतिक संपदा शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, प्राकृतिक संपदा हम किसे कहते हैं, जो ऐसे जो भी हमारी इस पृथ्वी पर पाई जा रही है, जो भी संपदा है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है, जैसे उसमें भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, वन हो गया, घास हो गया, स्थल हो गया, तो ये सारे जो यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं संसाधन, इन्हीं संसाधनों को हम लोग जो है प्राकृतिक संपदा के अर्थ नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक संसाधन में आ जाते हैं जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, वन हो गया, स्थल हो गया, या विभिन्न प्रकार, जैसे इसमें मान लेते घास भी आ जाता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, घास भी है आदि। तो ये सभी क्या है, असल में यही सभी जो है ये प्राकृतिक संपदा है, और इसका उपयोग मानव तथा मानव के साथ साथ समस्त जीव जंतु इस इन्हीं सब चीजों का, इन्हीं सब जो संसाधन है इसका उपयोग वो अपने निरंतर दैनिक जीवन में करता है। तो ये था प्राकृतिक संपदा यहां पर। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। प्राकृतिक संपदा के संरक्षण की बात करें, संरक्षण का अर्थ होता है कि ये जो प्राकृतिक संपदा है, अगर इनका निरंतर हम दोहन करते रहें, इसे मान लेते हैं कि हम यहाँ एक एग्जांपल ले लें वन का, एक एग्जांपल ले लें यहाँ पर वन का, कि वन, अब पता चल रहा है कि निरंतर जनसंख्या मानव आबादी बढ़ रही है, तो मानव आबादी बढ़ने के कारण क्या होगा कि वन क्षेत्रों को काट करके वहां पर शहरीकरण की प्रक्रिया होगी, तो जब उस वन्य क्षेत्रों को काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो नष्ट होंगे, उससे संबंधित जितने भी वन्य जीव होंगे वो नष्ट होंगे, और साथ में साथ जो मानव आबादी उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उत्पन्न होगा। तो ये चीज यहां पर ध्यान देना कि सबसे पहले आवश्यक है कि ये प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण भी आवश्यक है। हम अपने प्राकृतिक संपदा को जितने समय तक बनाए रख सक पाएंगे, उतने अवस्था तक हम लोग, या उतने काल तक हम लोग जो है, या मानव समाज जो है, या जो वन्य जीव है, या जीवधारी है, ये सभी अपने आप के अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होंगे। तो ये यहां पर अभी हम लोग बात करते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम इसके वर्गीकरण करें कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, मान लेते प्रश्न आ जाए प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, तो प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण, देखिए अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक है अक्षय संसाधन, दूसरा है क्षय संसाधन। अक्षय संसाधन पहला, अक्षय संसाधन, अक्षय संसाधन कहते किसे हैं ये देखना है यहां पर। देखिए जो अक्षय संसाधन, आप मतलब अनुपस्थित कह सकते हैं, अक्षय यानी कि जिसका क्षरण ना हो सके, क्षरण का मतलब ये नहीं है कि उसका यूज नहीं कर सकते हैं, अक्षय संसाधन का मतलब होता है कि जो पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता पृथ्वी पर से, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग जो अक्षय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। वे संसाधन जो असीमित रूप में, या जिसका भंडार असीमित रूप में हमारी इस पृथ्वी पर है, उन संसाधनों को अक्षय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देंगे हम लोग अक्षय संसाधन में, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा,
तो जो सौर ऊर्जा होता है, ये सौर ऊर्जा जब तक सूर्य है तब तक हमारी इस पृथ्वी को सौर ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा। दूसरा जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा जब तक वायु चलती रहेगी तब तक हमें जो है इस पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। आजकल पवन चक्की के द्वारा भी विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो पवन ऊर्जा भी क्या है, यह प्राकृतिक स्रोत है और ये जब तक वायु या प्रकाश हमारे इस पृथ्वी पर पड़ता रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा। इसके अलावा एक और होता है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जैसे ज्वार भाटा आता है कहीं कहीं तो उद्गम होता है पृथ्वी पर से, पृथ्वी की सतह से, तो वो जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का उपयोग भी विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक है इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि इससे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, क्या विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं या इससे और भी संसाधन बनाए जा सकते हैं। तो जो ज्वारीय ऊर्जा होती है या भी प्राकृतिक रूप से होती है या भी कभी भी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं होती। इसके अलावा वृष्टि है, वृष्टि, वृष्टि जिसमें आ जाता है इसे वर्षा जल, तो ये भी जो है प्राकृतिक है जो कि समाप्त नहीं हो सकती है। इसके अलावा एक और है परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तो ये सभी क्या है, ये सभी अक्षय संसाधन होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है और कभी भी इनका ये कभी भी विलुप्त या समाप्त नहीं होंगे। ऐसे संसाधनों को जो संसाधन कभी भी समाप्त ना हो, जिनका क्षण नहीं हो सकता है, उन्हें हम लोग अक्षय संसाधन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है क्षय संसाधन, क्षय संसाधन, देखिए क्षय संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका अगर मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो समाप्त भी हो सकते हैं। और सामान्य रूप से जो छह संसाधन होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। अगर छह संसाधन को भी हम लोग वर्गीकृत कर दें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता इसमें नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, देखिए नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वे छह संसाधन, वे यहां पर छह संसाधन जिसको अगर हम नवीकरणीय करें, रिसाइकल करें, तो उससे पुनः उस जो संसाधन है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं मुख्य रूप से जैविक संसाधन होते हैं, जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये मुख्य रूप से जैविक संसाधन होते हैं। ये क्या होते हैं, जैविक संसाधन होते हैं मुख्य रूप से, जो नवीकरणीय संसाधन है वो जैविक संसाधन है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप बात करें तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे वन हो गया, वन हो गया, चारागाह हो गया। देखते होंगे कि जैसे वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र को पुनः उत्पन्न किया सकता है, उसको अगर हम लगातार कहीं पर वृक्ष लगा दें तो एक फिर से हम वन्य क्षेत्र को बना सकते हैं। चारागाह जहां पर पशु पशु जो होते हैं वो जाकर के अपना भोजन करते हैं, तो उसमें भी अगर हम लगातार कुछ नए नए शाकीय पौधों को वहां पर आरोपित कर दें, शाकीय पौधों को उगाएं, तो वहां पर भी एक नए चारागाह की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा जैसे जलतंत्र है, जलतंत्र को भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें पोखरे हो गए, तालाब हो गए, इसको हम पूरा जो नवीकरणीय कर सकते हैं, इसका पुनः मान लेते कोई पोखरा या तालाब है सूख गया है तो उसमें लगातार जल भर करके या उसकी साफ सफाई करके, जब वर्षा का जल हो तो उसमें संरक्षित हो सकता है, किस तरह से हम जल तंत्र को निर्माण कर सकते हैं। मृदा का भी निर्माण कर सकते हैं, मान लेते हैं जैसे कि कहीं पर है कि बहुत काफी समय से वहां पर खेती नहीं हुई है और यदि हम धीरे धीरे वहां पर खेती करना शुरू करें तो वहां पर एक मृदा का निर्माण हो सकता है। कृषि तंत्र हो गया, कृषि तंत्र का भी जो है ये भी नवीकरणीय संसाधनों में आता है। कृषि तंत्र जो कृषि के सबसे संबंधित जो भी वहां पर संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा एक और रखते हैं वन्य प्राणी, मान लेते हैं कि कहीं से वन्य प्राणी विलुप्त हो गए हैं
तो हम ला करके किसी दूसरी जगह से वन्य प्राणियों को वन में जो है पाल सकते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये संसाधन, छह संसाधन के अंतर्गत तो आते से वन्य प्राणी है, अगर उनको मार करके नष्ट कर दिया जाए तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसको पुनः अगर हम चाहें कि कहीं से और से ला करके किसी दूसरे वन से ला करके उसको जो है किसी दूसरे वन में पाला जाए तो उसको संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लेते हैं कि पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त तो हो जाए कोई जीव और उसको पुनः हम करें तो इस तरह नहीं होगा। उस जीव की उत्पत्ति, वो जीव पहले से उपस्थित होना चाहिए तभी हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। वही है नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा इसमें आता है अनवीकरणीय संसाधन। यह भी छह संसाधन की श्रेणी में आता है, अर्थात ऐसे संसाधन जिनका निरंतर हम दोहन करते जाए लेकिन इसका पुनः रिसाइकल नहीं कर सकते, इसे पुनः हम बना नहीं सकते स्वयं, तो ये जब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा तो इसका भंडार चूंकि सीमित मात्रा में और लगातार इसका अगर हम उपयोग करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह जो है विलुप्त हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है, एग्जाम्पल में जैसे कोयला, पेट्रोलियम हो गया, जो पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, गैस हो गया, धातुएं हो गई इत्यादि। तो ये सभी जो होते हैं ये अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार यदि इसका उपयोग कर लिया जाए और ये समाप्त हो जाए पृथ्वी पर से तो इसे हम पुनः वापस से रिसाइकल नहीं कर सकते। तो ये जो होते हैं छह संसाधन में नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन यहां पर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विभिन्न प्रकार के संसाधनों की। तो अभी हड़ी इसमें आती है विभिन्न प्रकार के संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधन। देखिए अगर हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे मृदा संसाधन आ जाता है, जल संसाधन आ जाता है, भू संसाधन आ जाता है या ऊर्जा संसाधन आ सकता है। तो बहुत सारे संसाधन यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन को देखेंगे यहाँ पर, मृदा संसाधन। सबसे पहले तो समझते हैं कि मृदा का उपयोग कहाँ पर होता है या ये कहां से जो है हमारे लिए कितने जो है लाभदायक हो सकता है। देखिए मृदा की बात किया जाए तो चाहे वो उत्पादक हो या फिर उपभोक्ता हो, अर्थात कह सकते हैं चाहे वो पादप हो या फिर जंतु हो, सभी प्रकार के जो जीव होते हैं वो सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पौधों की, तो जो पौधे होते हैं वो पौधे मृदा में ही अपने आप को जब मृदा में रहते हैं, उसी मृदा के जो पकड़ होती है जड़ों की वो मृदा में रहती है और साथ में जो मृदा में उपस्थित जो जल है या मृदा में उपस्थित जो खनिज लवण होता है उसका उपयोग वो अपने जो है भोजन में करते हैं। तो ये यहाँ पर चीज़ अपने भोजन कर रहे, अपने जो है जो वहां पर जो है जो भी उनके कह सकते हैं कि उनके संसाधन है जिसको प्राप्त करके अपने लिए भोजन का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे समस्त जो संसाधन है उन संसाधनों को मृदा से प्राप्त करते हैं। ऐसे जो मृदा संसाधन होते हैं उन मृदा संसाधनों की यहाँ पर जो है देखा जाए तो वो बहुत ही आवश्यक होते हैं, चाहे वो जीव के लिए हो या किसी भी जो है पौधे के लिए यहाँ पर बात हो। तो मृदा हमारे लिए सबसे आवश्यक घटक के श्रेणी में आता है। अगर मृदा की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले आवश्यकता होती है कि मृदा जो होते हैं मृदा में कैसे बनती है और मृदा होती क्या है। पहले एक दिमाग में प्रश्न आता है कि मृदा क्या है, मृदा क्या है, कैसे बनती है, ये प्रश्न फिर यहां पर दिमाग में कैसे बनती है। देखिए मृदा क्या है कैसे बनती है, ये प्रश्न एक बार दिमाग पे आता है कि वास्तव में मृदा क्या है और कैसे बनती है। तो मृदा के अगर हम लोग बात करें तो जो मृदा का निर्माण होता है, इस मृदा के निर्माण के लिए जो चट्टान होते हैं, जो पहाड़ होते हैं,
वहां पर जो इसकी चट्टान जो पर्वत श्रृंखला जो लगातार जो उसमें विघटन होता है टूटता रहता है उसी के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। अब ये प्रश्न आता है कि कैसे चट्टान टूटते हैं, कैसे मृदा का निर्माण हो रहा है, तो ये दिमाग में प्रश्न आता है। तो मृदा का जो निर्माण होता है या मृदा कैसे बनती है, अगर हम उसकी बात करें कि मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के कारक जो होते हैं वो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर विभिन्न निम्न कारक मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। अब कौन कौन से वो कारक है मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले कि मृदा बनती कैसे। तो सबसे पहला इसका जो कारक होता है वो होता है सूर्य। अगर हम सूर्य की बात करें कि सूर्य किस प्रकार से मृदा के निर्माण में सहायक होता है उसको समझेंगे। जैसे जो चट्टान होती है, जब सूर्य यानी कि जब सूर्य आता है दिन के समय में, जब प्रातः काल होता है या धूप होता है, तो दिन के समय जो चट्टान होती है वो काफी गर्म हो जाती है, और उसके बाद जब रात होती है तो रात में जो चट्टान होती है, जब दिन में चट्टान गर्म होती है तो धीरे धीरे उसमें प्रसार होता है फैलता है, लेकिन जब रात के समय में हल्का सा ठंडा मौसम आता है तो चट्टान जो होती है उस चट्टान सिकुड़ना प्रारंभ करती है। फिर ये प्रक्रिया धीरे धीरे हजारों वर्षों तक चलती है। ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है तो 10 दिन बाद या 1 साल बाद 2 साल बाद जो है उस चट्टान से मृदा बन जाएगा, ऐसे संभव नहीं है। जो चट्टान उस चट्टानों से मृदा बनने में हजारों या लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है दिन के समय में जब पड़ता है उन चट्टानों पर, तो चट्टान जो होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होता है, उससे प्रसार होता है, फैलता है, लेकिन रात के समय में जैसे वो ठंडा होता है फिर उसमें सिकुड़न होना शुरू हो जाता है। तो लगातार उसमें प्रसार और सिकुड़न की प्रक्रिया होती रहती है, जिसके कारण उसमें कहीं कहीं पर बीच बीच में दरार पड़ जाती है। तो यह पहला कारक होता है जो मृदा के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा जो कारक होता है वो होता है जल। जल क्या करता है, जब उस चट्टान के बीच में दरार बनना शुरू हो जाती है सूर्य के प्रकाश के कारण, जैसे ही वो जो है दरार बनती है, जल जाकर के उसी दरारों में पहुंच करके उस दरार की मात्रा के कह सकते दरार को जो और भी ज्यादा फैला देती है। इसके साथ में कभी कभी जो जल का बहुत ही तेज वेग जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह के द्वारा भी चट्टान होते, चट्टान के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो टूट करके कहीं दूर जाकर के बह जाते हैं, और जब वो आपको बहते हुए चलते हैं जल की धारा के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं आपस में घर्षण की प्रक्रिया होती है, और इस घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा वहां पर जो छोटे छोटे कण यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है जो जल है उस जल की उपस्थिति में जल की धारा के द्वारा ये यहाँ पर जो चट्टान के छोटे छोटे कण होते हैं वो और भी छोटे छोटे कणों में टूट करके वहां पर कण का रूप ले लेती है, और जल की धारा के साथ बह करके कहीं दूर जा करके स्थित हो जाती है, तो वहां पर जल। तीसरा जो कारक होता है वो होता है वायु। तीसरा जो कारक है वो है वायु। अब तीव्र वायु अगर चल रहा है तो वो भी चट्टानों को तोड़ने में सहायक होता है, और जब तीव्र वायु चलता है चट्टान टूटता है वो नीचे आता है तो जल की धारा के साथ दूर बहता है, और आपस में घर्षण के कारण उससे छोटे छोटे टुकड़े जो निकलते हैं वही दूर जाकर के मृदा का निर्माण करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है मृदा बनने का वो होता है सूर्य, जल और वायु। ये तीनों संयुक्त रूप से किसी भी चट्टान, किसी भी जो पहाड़ है उसको हजारों वर्षों या लाखों वर्षों में उसको अपघटित करके वहां से जो है मृदा के उसके आसपास जो परत है वहां पर मृदा का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं मृदा की संरचना की। मृदा यहां पर हम लोग बात है कि मृदा की रचना कैसे होती है। देखिए जो मृदा की रचना की बात किया जाए तो मृदा में जैसे मान लेते ये परत है मृदा की, तो मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है, तो सबसे ऊपरी परत होती है यहां पर ही बहुत सारे सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, और यही जो होता है जो ऊपरी परत होती है इसी ऊपरी परत विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व उपस्थित होते हैं, अतः इस जो ऊपरी परत है इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस, इसको कहते हैं ह्यूमस। इसी ह्यूमस वाले भाग में विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं
वो पाए जाते हैं, और साथ में जो है जो उर्वरा शक्ति होती है वो वास्तव में मृदा की ऊपरी परत में होती है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म जीव भी है, और इसके अलावा जो कुछ अन्य जैसे पौधों की पत्तियां जो गिर करके अपघटित हो गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात खनिज तत्वों की वहां पर उपलब्धता अधिक होती है। तो सबसे ऊपरी भाग जो होती है ह्यूमस होता है, यही उर्वरक का काम करता है और यही उर्वरा मृदा कहलाती है। लगातार अगर ह्यूमस बनता रहे, कोई भी मृदा हो, अगर वहां पर ह्यूमस बनता रहे तो निश्चित रूप से वहां पर जो है मृदा में उर्वरा शक्ति बनना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसमें जो अगर हम लोग बात करें केचुआ जैसे हो गया, वो भी जो है मृदा के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये यहां पर मृदा की रचना में होती है। अब बात करते इसीलिए कहता मृदा का अपरदन, मृदा का अपरदन, देखिए मृदा का अपरदन, अपरदन होता क्या इसकी बात करते हैं। अपरदन है क्या? देखिए अपरदन जो होता है मतलब होता है कि किसी जल वायु की धारा के साथ मृदा का सब बहुत सारा अधिक भार, मृदा का एक भाग जो है कट करके कहीं दूसरे स्थान पर चला जाए, उसे हम अपरदन कहते हैं। हो क्या रहा है आज के समय में, लगातार वनों की कटाई हो रही, क्योंकि जो मृदा है मृदा के कणों को बांधे रखने का जो मुख्य कार्य करती है वो करती है जो पौधों की जड़ें होती है। लेकिन लगातार पौधों की कटाई होने के कारण क्या होता है कि जो मृदा के कण होते हैं आपस में बहुत अच्छे से जो है बंध नहीं पाते, तो थोड़ा सा भी जल की मात्रा आ रही है या वहां पर वायु की धारा आ रही है तो उस जल या वायु की धारा के साथ जो मृदा है वो मृदा वहां से बह करके कहीं दूर चली जाती है। इसी को कहते हैं मृदा का कटाव, और ये मृदा का कटाव ही वास्तव में कहलाता है मृदा अपरदन। मृदा का कटाव ही कहलाता है मृदा अपरदन। तो मृदा की अधिकतर जो उर्वरा और शक्ति वाली जो मृदाएं होती है उसमें से बहुत सारे अधिकांश भाग मृदा अपरदन के द्वारा समुद्रों में जाती रहती है, और इस प्रकार जो हमारे उर्वरक या उर्वरा जो मृदा होती है उसका धीरे धीरे कमी आती है, और ये कमी कहीं ना कहीं पूरे जो जीव है उस सभी जीवों को प्रभावित करती है। तो मृदा अपरदन भी सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम हमारा जो जैविक संसाधन है या हमारा जो प्राकृतिक संसाधन, उस प्राकृतिक संसाधनों को जो है कहीं ना कहीं मृदा अपरदन के द्वारा नष्ट हो रहा है। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि निरंतर वनों की कटाई कर रहे हैं, तो उस वनों की कटाई के द्वारा जो मृदा में की पकड़ होती है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, और हल्की सी बारिश या जो है वायु के साथ मृदा काफी दूर तक बह जाती है। तो इस प्रकार से जो मृदा की ह्यूमस वाले भाग होते हैं वो बहुत ज्यादा नष्ट हो जाते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो है मृदा का अपरदन यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं कि मृदा की उर्वरता का ह्रास कैसे होता है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। मृदा की उर्वरता का ह्रास, उर्वरता का ह्रास, देखिए अगर मृदा की उर्वरता के ह्रास की बात करें तो यहाँ पर वही प्रश्न आता है कि जब मृदा अपरदन होगा तो निश्चित रूप से जो उर्वर जो उस उर्वर मृदा है वो उर्वर मृदा भी उस मृदा जल के साथ या जल या वायु के साथ काफी दूर तक बह जाएगी, और वो हो सकता है जाकर के किसी जल में, जलाशयों में या समुद्रों में, तालाबों में गिर जाए, तो वो कहीं पर हमारे लिए वो उपयोगी नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से जो मृदा की उर्वरता है उस मृदा की उर्वरता में भी कमी आती है। इसके अलावा जो है जिस प्रकार से लगातार आधुनिक खेती की जा रही है, आधुनिक खेती में जो विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, वो रासायनिक कीटनाशक भी मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जो कीट होते हैं, केचुआ होते हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ह्यूमस बनाते हैं सूक्ष्म जीव वो समाप्त होते हैं, और इस प्रकार मृदा के ऊपरी परत पर ह्यूमस नहीं बन पाता, और धीरे धीरे जो मृदा होता है वो मृदा वहां पर बंजर भूमि में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मृदा की उर्वरता का भी ह्रास यहां पर होता है। अब बात करते हैं मृदा संरक्षण की, इतना तो पढ़ लिए कि कैसे मृदा समाप्त कैसे बनती है, मृदा समाप्त कैसे होती है। अब हम लोग बात करेंगे अपन की मृदा संरक्षण क्या होता है। देखिए इतना सा ये पढ़े कि मृदा अपरदन क्यों हो रहा है, मृदा की उर्वरता का ह्रास क्यों हो रहा है, तो यही चीज को हम यहां मृदा संरक्षण में उपयोग करेंगे। जैसे अगर हम मान लेते आधुनिक जो खेती है इसमें कीटनाशकों, जो रासायनिक कीटनाशक है उनके स्थान पर अगर हम जैविक वहां पर उर्वरकों का उपयोग करें, जो रासायनिक उर्वरक है उसके स्थान पर यदि जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो मृदा की उर्वरता और मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या ले सकते हैं आप कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।
दूसरा वो अपरदन वाले पेड़, मृदा कैसे पकड़ी जाती है, उसमें जो पौधे होते हैं पौधों की जड़ों की सहायता से। तो सबसे पहला कारण कि हमें जो वनों की कटाई है उस वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा। अगर हमें मृदा अपरदन को कम करना है तो निश्चित रूप से हमें वनों की कटाई को कम करना पड़ेगा। तो वनों की जब कटाई को हम करेंगे या नए नए वृक्ष लगाएंगे तो वह मृदा के कणों को आपस से बाधे रहेंगे, मृदा अपरदन को वहां पर रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि इसके लिए एक जैसे एक शिक्षा, एक एजुकेशन भी दिया जा सकता है बच्चों को, इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, जागरूकता का एक अभियान चलाना चाहिए जिससे कि जो है वनों की कटाई रोकी जाए और जिससे जो है जो मृदा है वो मृदा जो है उसका कटाव ना हो सके, तो उसको भी हम संरक्षित इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा खेती में भी लगातार बदल बदल के खेती, पट्टेदार खेती, इस प्रकार के जो है खेती का भी उपयोग करके जो है हम वहां पर मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये पूरा जो था ये मृदा संसाधन के ऊपर था। अब बात करते हैं दूसरा संसाधन जो है विभिन्न प्रकार के संसाधन में, जल संसाधन की। तो बात करते हैं अब यहां पर जल संसाधन की। दूसरा संसाधन आता है जल संसाधन, जल संसाधन। देखिए जिस प्रकार मृदा आवश्यक थी उसी प्रकार से जल जो होता है सभी जीव, जितने भी इस पृथ्वी पर उपस्थित है सभी जीवों के लिए आवश्यक घटक होता है। क्योंकि जल संसाधन होता है, जल के द्वारा ही चाहे पौधे होते हैं, पौधे अपने भोजन के निर्माण में जल प्रयुक्त करते हैं, समस्त जीव अपने आप को इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या कह सकते हैं अपने आप को स्थायी रखने के लिए जल का सेवन करते हैं। जल बिना जो है कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, जो जलीय संसाधन, अगर जल की बात करें तो हमारे इस पृथ्वी पर अगर बात किया जाए तो लगभग जल की मात्रा बहुत अधिक है। कह सकते हैं कि 3/4 भाग पृथ्वी का वो जल से घिरा है, पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है। लेकिन उस जल में का जो 97.5% जल है उसमें से भी जो है वहां पर जो भी 3/4 भाग जो जल है हमारी पृथ्वी पर, रियल कोई नहीं और ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन इसका जो 97.5% भाग होता है ये लवणीय जल जिसका उपयोग जीवधारी नहीं करते। बाकी बचा कितना 2.5% जो जल होता है भाग जल पीने योग्य होता है। कैसा होता है? पीने। लेकिन अब इसमें से जो 2.5% जल है इसमें से लगभग 1.5% जो जल है वो जो ग्लेशियर और जो बर्फ की चट्टाने उसके रूप में पड़ी हुई, जो पिघलेगा तो समुद्र में जाकर गिरेगा और फिर हमारे लिए उपयुक्त नहीं रह जाएगी। तो बहुत ही कम कह सकते 0.1% जो भाग होता है वही पीने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। अब लगातार इतना जल है लेकिन फिर भी हम पी सकते क्या 0.1%, तो उतना कम मात्रा में अगर हम जल का सेवन केवल हमारे पास जल उपलब्ध है तो अगर हम उस जल का दुरुपयोग करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं जो क्राइसिस होगा वो जल के लिए ही होगा। यानी यहां पर क्या है कि जो लगातार जल संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज जल संसाधनों का दुरुपयोग, तो इसको यहां पर आप लिख सकते हैं कि जल संसाधनों को निरंतर जो है बिना इसके संरक्षण के ही, बिना इसके संरक्षित किए हम निरंतर इसका दोहन किए जा रहे हैं, इसका उपयोग किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है जब दुरुपयोग करेंगे तो जल संसाधन में कमी होगी। और जल संसाधन में कमी होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जितने जो जीव है सभी जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाएगी और जल का कोई विकल्प भी नहीं। तो जल संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे कहीं ना कहीं कम करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए कर सकते हैं जल का संरक्षण एवं प्रबंधन। तो इसके लिए हम जो है उस जल का संरक्षण भी कर सकते हैं और प्रबंधन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लेते वर्षा का जल है तो जगह जगह पर एक ऐसा टैंक बनाया जाए या कह सकते हैं तालाबों की खुदाई किया जाए जिससे कि वो जल जो है काफी मात्रा में एकत्र हो और फिर धीरे धीरे मृदा के अंदर वो पहुंचे।
तो इससे क्या होता है कि जो मृदा का जल है, मृदीय जल है, उसका स्तर धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो इस तरह से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। या जैसे होता है आजकल बड़े बड़े शहरों में अगर देखिए, जो वहां पर सोसाइटीज बनती है, वहां पर जल वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वहां पर एक टैंक बनाया जाता है। तो उसके द्वारा भी जो है हम जो है वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भी जो है वो हम अपने जल का संरक्षण कर सकते हैं और जल को भी जो है अधिक मात्रा में बचा सकते हैं। तो इस तरह से जल को बचा सकते हैं। दूसरा जो है, जो औद्योगिक क्षेत्रों में जल का उपयोग किया जाता है उसको रिसाइकल करके पूरा उसका उपयोग लाया जाए, इस तरह से भी जल को बचाया जा सकता है। जल को अधिक मात्रा में जो सिंचाई की बात होती है, पौधों की सिंचाई करना, उसके लिए आधुनिक तकनीक अपनाना सिंचाई के लिए, उससे भी जल की जो बर्बादी होती है वो कम से कम होगी। इसके अलावा जो जल है वो जल को जैसे होता क्या है कि पानी चला के छोड़ दिए, वो जल गिर रहा है, जा रहा है सीधे नाली में, तो उस प्रकार की भी प्रक्रिया को वहां पर कम करना होगा, जल को ज्यादा से ज्यादा बचाना होगा। तो इस प्रकार से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। और यदि जल संरक्षित रहता है तभी जीवन रहता है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल अगर है तभी जीवित है, यदि जल नहीं तो उसका कोई विकल्प नहीं है, और फिर वहां पर जो है समस्याएं बाधाएं आना शुरू हुई। तो ये जल का संरक्षण प्रबंधन। तीसरा बात करते हैं मृदा, ये दूसरा था। तीसरा बात करते हैं भू संसाधन का। भू संसाधन, देखिए ये जो मृदा संसाधन पढ़ा है और भू संसाधन थोड़ा अंतर, वहां हमने केवल मृदा की बात की थी। भू संसाधन जो भूमि के अंदर पाए जाने वाले संसाधन से खनिज लवण हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया, इनको बचाए रखने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर कोई रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम किया जाए जिससे इनका संरक्षण किया जा सके। चौथा है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, देखिए ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है, बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं होता है। ऊर्जा सभी जीवों के लिए आवश्यक है, चाहे हमें वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो चाहे वो कृत्रिम रूप से प्राप्त हो, हमें ऊर्जा आवश्यक है। हम बोल रहे हैं तो हमें ऊर्जा लग रही है, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा का उपयोग करके हम बोल रहे हैं। इसी प्रकार जितनी भी समस्त क्रियाएं हो रही है हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे इस वायुमंडल में, सभी क्रियाएं जो है किसी न किसी ऊर्जा के द्वारा ही संचालित हो रही है। तो ये ऊर्जा भी हमारे संसाधन में आता है, प्राकृतिक संसाधन में इसको भी रखा गया ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा होता है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। सो पहला है यहां पर अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन इसमें से कौन कौन आते हैं, यानी वे ऊर्जा संसाधन जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करें, उसी की क्यों बात कर रहे हैं। तो वे ऊर्जा संसाधन जिसको पुनः रिसाइकल न किया जा सके, पुनः प्राप्त न किया जा सके, ऐसे ऊर्जा संसाधनों को अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बात कर सकते हैं जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। तो ये जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा इनकी सीमित मात्रा में है। जैसे हमारे यूरेनियम, यूरेनियम की सीमित मात्रा में जिससे परमाणु ऊर्जा बनती है और परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जैसे कि पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं। तो ये जो होते हैं ये पूरी बहुत ही सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगर इसका लगातार हम दोहन किए जाए, इस ऊर्जा जो संसाधन इसका दोहन करते हैं तो धीरे धीरे विलुप्त हो सकते हैं। तो ये हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए क्या किया है, इनका संरक्षण करना आवश्यक होता है, यानी उतने ही मात्रा में उसका उपयोग किया जाए जितने हमें आवश्यकता। ऐसा नहीं कि लगातार उसका जो उपयोग किए जा रहे हैं उपयोग किए जा रहे हैं और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाए। तो क्योंकि ये सीमित संसाधन है तो इसका संरक्षण भी बहुत ही आवश्यक होता है, तो इसका संरक्षण भी आवश्यक होता है। दूसरा होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में बहुत सारे से सौर ऊर्जा होंगे। अब इसको वही चीज जो ऊपर लिखे थे कि सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है,
पवन ऊर्जा है, भूताप ऊर्जा है, तो ये सभी जो होते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आते हैं। सौर ऊर्जा हो गया, आजकल सोलर से चलने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो होते हैं, इलेक्ट्रिक कार है, जो सौर वाहन है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। सोलर एनर्जी को जो है हम लोग जो यहाँ पर जो है उसके द्वारा भोजन पकाना या विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों को भी जो संचालित किया जा रहा है सौर ऊर्जा के द्वारा, तो ये सौर ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, तो ये सभी जो होते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अब इसका भी वही चीज नवीकरणीय संसाधन में, लेकिन अगर इसको नवीकरणीय ना करें तो क्या होगा, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए अनुपयुक्त होना शुरू हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा लगातार इस पर धीरे धीरे वैज्ञानिक इस पर प्रयास कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि ये असीमित मात्रा में जब तक सूर्य तब तक हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, तो इसलिए अधिकतर वैज्ञानिक जो है जो विद्युत संयंत्र है उस विद्युत संयंत्रों को सौर ऊर्जा संयंत्र में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। और आजकल भी देखा जाए तो सौर जो सोलर पैनल है उसके द्वारा भी विद्युत संयंत्र चलाना प्रारंभ हो चुका है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इस प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उनका जो है संरक्षण, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़े हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।